गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो आज हम लोग हिंदी का अभ्यास करेंगे, तो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, स्वर वर्णों के क्रम को पूरा करो। ठीक है, स्वर वर्ण मतलब अ से लेकर अह तक। तो यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, आपको ये खाली स्थान जो दिया गया है उसको आपको सही अक्षर से, सही वर्ण से आपको भरना है। ठीक है, जो क्रम में आता है अ, उसके बाद क्या आता है आ, आ के बाद क्या आता है हशई, उसके बाद दीर्घई दिया गया है, दीर्घई के बाद हशउ, हश्यव के बाद दीर्घव दिया गया है, दीर्घव के बाद री, उसके बाद ए, ए के बाद आई दिया गया है, आई के बाद ओ ये भी दिया गया है, ओ के बाद औ, औ से औरत, औ, अंग दिया गया है, और आखिर में क्या आता है अह, अह से नमः। ठीक है, इस तरह से आपको क्रम में वर्णों को पूरा करना है। ठीक है, प्रश्न दो, कोई तीन दो वर्णों से बने शब्द लिखो। तो आपको कोई भी तीन दो वर्णों से बने शब्द लिखने हैं जिसमें सिर्फ दो वर्ण हैं, तो कोई तीन हम लिख सकते हैं। तो लिखते हैं फ, ल, फल, फ, ल, फल, फ और ल दो वर्ण मिलाकर बन गया फल। उसके बाद लिख सकते हैं ट, ब, टब, ट, ब, टब। ठीक है, एक्सक्यूज मी। उसके बाद लिख सकते हैं ज, ग, जग। ठीक है, इसमें भी दो वर्ण हैं, इसमें भी दो वर्ण और इसमें भी दो वर्ण, तो तीन खाली स्थानों को हमने पूरा कर दिया दो वर्ण बने शब्दों से। प्रश्न तीन, सही जोड़ों को मिलाइए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ दिए गए हैं बतख, भगत, शहद, कलश। ठीक है, सही जोड़ों को मिलाइए मतलब इंग्लिश में जिसे हम मैच द फॉलोइंग कहते हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड में दिया है चख, भर, पकड़, बन। ठीक है, तो बतख के साथ क्या होगा चख होगा, बतख यानी कि डक, डक को हम चखते हैं नहीं, बतख भर, बतख को हम भरते हैं नहीं, बतख पकड़, बतख को हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, बतख पकड़, और आखिर में क्या दिया गया है बतख बन, बतख बनते हैं नहीं, उससे ज़्यादा बेहतर ये है बतख पकड़। ठीक है, तो हम मिलाएंगे बतख पकड़। ठीक है, बतख पकड़। भगत, ठीक है, भगवान की पूजा करने वाला, भगत चख नहीं, भगत भर नहीं, भगत बन, भगवान की पूजा करने वाला बनो। ठीक है, तो भगत बन। शहद यानी हनी, शहद चख सही, शहद को हम चख सकते हैं, चखते हैं। कलश यानी कि मटका, घड़ा, कलश भर, भर सकते हैं घड़े को हम, तो कलश के साथ हो जाएगा भर। ठीक है,
प्रश्न चार, कोई तीन चार वर्णों से बने शब्द लिखो। तो यहाँ पे तीन खाली स्थान गया है, आपको क्या करना है, चार वर्णों से बने कोई भी तीन शब्द आपको लिखने हैं। तो कोई भी तीन लिखते हैं हम, स र क स, सर्कस, ठीक है, स र क स, चार वर्ण मिला के बन गया सर्कस। उसके बाद हम लिख सकते हैं अ ज ग र, अजगर, अजगर यानी कि सांप। तो अ ज ग और र, ये चार वर्ण मिला के हो गया अजगर। इसके बाद हम लिख सकते हैं क ट ह ल, कटहल, कटहल यानी कि जैक फ्रूट। तो कटहल, ये चार वर्ण मिला के बन गया कटहल। तो हम तीन हमने लिख दिया। अब अगला प्रश्न पांच, पढ़कर सही शब्द पर गोला लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पढ़कर समझना है किसके साथ बेहतर मैचिंग हो रहा है, उस शब्द को आपको गोला लगाना है। तो क नंबर, अजगर चख या पकड़, ये बीच में ये जो लकीर है इसको हम लोग या, इंग्लिश में जिसे हम ऑब्लिक कहते हैं, हिंदी में और या, अजगर चख या पकड़, अजगर को हम चखेंगे या पकड़ेंगे, पकड़ेंगे। तो सही शब्द कौन सा हो गया, पकड़, इस पे गोला लगाइए। ख नंबर, उपवन मल या चल, उपवन यानी कि बगीचा, गार्डन। तो गार्डन को हम मलेंगे या गार्डन में हम चलेंगे, तो उपवन में हम चलेंगे, उपवन चल। तो चल है सही शब्द, इसको गोला लगाना है। ठीक है, ग नंबर, जग रख पढ़, जग को हम रख सकते हैं, जग को पढ़ सकते हैं, नहीं, तो जग को हम रखेंगे, जग रख। तो सही शब्द हो गया रख, तो इसको गोला करेंगे। ठीक है, घ नंबर, नमन बन नमन कर, बन या कर, तो नमन हम कर सकते हैं, बन नहीं सकते, नमन मतलब नमस्ते करना, तो कर हो गया सही शब्द, तो इसको गोला लगाएंगे। अंगा, अचकन, अचकन यानी कि सूट जैसा एक होता है, अचकन भर अचकन पहन, तो अचकन को हम पहन सकते हैं, भर नहीं सकते, तो पहन पर हम गोला लगाएंगे, क्योंकि ये है सही शब्द। ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़कर सही शब्द पर गोला लगाना है, मैच दी फॉलोइंग की तरह ही, लेकिन थोड़ा पैटर्न इसका अलग है सवाल का। प्रश्न छः, वर्णों को जोड़कर सही शब्द लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे वर्णों को अलग अलग दिया गया है, आपको जोड़कर सही शब्द लिखना है। तो क नंबर, ग धनज ग ज, कौन सा शब्द बन गया, गज। तो इसको जोड़कर हम कौन सा शब्द हम बनाएंगे, गज, इसको इकट्ठे लिखना है। ठीक है, ग ज गज। फिर अगला ख में, न धन म धन क, न म क, न म क हो गया नमक, न म और क को इकट्ठे लिखेंगे, जोड़कर लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा, कौन सा शब्द, तीन वर्णों का नमक। फिर आखिर का ग नंबर, क
धन ट धन ह धन ल क ट ह ल। तो इन चारों वर्णों को हम जोड़ेंगे तो हमें कौन सा शब्द मिलेगा? चार वर्णों का कटहल, क ट ह और ल। ठीक है, तो वर्णों को जोड़कर सही शब्द लिखने वाला सवाल इस तरह से होगा। तो वर्णों को अलग अलग दिया जाएगा, आपको जोड़ के इकट्ठे उसको लिखना है, तो आपको वो सही शब्द प्राप्त होगा। ठीक है।